टू पे बने रहते हैं, कभी योगी जी ऊपर हो जाते हैं, कभी मोदी जी ऊपर हो जाते हैं। क्या अब्बा जान को बदनाम करके यानी कि सीधा मुसलमानों को टारगेट करा, तो इनके पास एक ही तड़का है मुसलमानों का, तड़का के मुसलमानों को टारगेट करेंगे। तो इनको कोई बताए जो अब्बा जान वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में शुरू से रहते हैं, तो राम मंदिर बनेगा जब तो रोजगार मिलेगा, राम मंदिर को छोड़ के दूसरी मस्जिदों को ढाने लग गए। योगी जी चलो मेरे साथ नोएडा, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। आज भी उत्तर प्रदेश गड्ढों से ही पहचाना जाता है। योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर खूब खिंचाई हो रही है, जमकर इन चीज़ों को लेकर लोग सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसी को लेकर हम बारीकी से समझेंगे। आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी हैं, जिनको लोग काफ़ी सोशल मीडिया पर सुनना पसंद करते हैं, जिनके लाखों में फॉलोवर्स हैं और लोग उनको बेहद अच्छा मतलब सुनना पसंद करते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी कि आपने इस चैनल पर मुझे इतनी इज्जत दी। सबसे पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, अब्बा जान वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ पिछले दो दिन से ट्रोल हो रहा है, नहीं लग रहा आपको कि ऐसे चीज बोल करके मनुवादी मीडिया को खुराक दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल करा जा रहा है। जिस तरह के इन्होंने फेंटा कोला बाबा ने स्टेटमेंट दिया है कि सन 2017 से पहले जितना भी अनाज था, राशन था उत्तर प्रदेश का, वो अब्बा जान कहने वाले खा जाते थे, आपके हम खाने नहीं देंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप किसी प्रदेश के सीएम हैं, मुखिया हैं, आप माई बाप हैं, एक फैमिली का बाप इस तरह नहीं बोल सकता। उसकी फैमिली में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, और खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करना, वो कम्युनिटी जो उत्तर प्रदेश में मात्र 20% है, 80% तो वहाँ नॉन मुस्लिम ही रहते हैं। तो मुद्दा ये नहीं था कि उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट कुशीनगर में दिया, मुद्दा ये था क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त उत्तर प्रदेश में दो बुखार फैल रहे हैं, एक तो वहाँ बहुत तेज़ी से डेंगू फैल रहा है और एक वहाँ पर बच्चों का दिमागी बुखार फैल रहा है, जिसकी वजह से रोज़ाना सौ बच्चे मर रहे हैं। अब इस तरफ से दिमाग हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने वही तड़का मारा। इनको तो यही पता है कि अगर कोई भी मुद्दा भटकाना हो तो मुसलमानों की टांग खींचनी शुरू कर दो, मुसलमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दो, तो पूरा का पूरा मीडिया डाइवर्ट हो जाता है। इसी वजह से इन्होंने डाइवर्ट करा, क्योंकि आप देखो कि फैज़ाबाद में इतने सारे बच्चे मर गए, आप देखो लखनऊ में मर रहे हैं, आप देखो बरेली में मर रहे हैं, और तो और NDTV की जो न्यूज़ है, NDTV का जो रिपोर्टर उस वक्त हॉस्पिटल से बाहर दिखा रहा है, उसके सामने सामने तीन बच्चों ने दम तोड़ दिया, और वो बच्चे वो थे जिनको डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करने को मना कर रहा था। तो इनकी कलई घुलती कि इनका जो सरकार जो हमें दिखाती है पोस्टर बॉय बन के रह गए कि हमारा विकास पोस्टर पे चलता है। तो अब अगर इनको तमाम दुनिया ये देखती कि देखो अस्पताल में मिली नहीं बच्चों को बेड, डॉक्टर धक्का दे दे के भगा रहे हैं, डेड बॉडियां बच्चों की सड़क पर तड़प रहे हैं बच्चे, तो उस वाली बात पे से दिमाग हटाने के लिए, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ये अब्बा जान वाली थेरेपी लेकर आए कि अब्बा जान को बदनाम करके यानी कि सीधा मुसलमानों को टारगेट करा। और इनको पता है कि किसी भी खाने में जो तड़का होता है बड़ा वैल्यूएबल होता है, तो इनके पास एक ही तड़का है मुसलमानों का, तड़का के मुसलमानों को टारगेट करेंगे और कुछ नहीं होगा। पोस्टर को लेकर क्या कहेंगे? पोस्टर को लेकर जो माँ फ्लाईओवर का पोस्टर है, योगी आदित्यनाथ अपने विकास को लेकर वो गिनवाते हैं, इस तरह से पोस्टर यूज करना, अगर ठेले वाले अगर कोई चीज कर देते हैं तो उन पर UPA जैसे कानून लगा दिया जाता है, मुसलमान अगर संविधान बचाने की बात करें तो उन पर भी शिकंजा कस दिया जाता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? पोस्टर का देखिए कि अभी आप देखो इन्होंने टाइम्स एक्सप्रेस में बहुत बड़ा बैनर बनाया और उसमें बंगाल का फ्लाईओवर चुरा रहा है, अमेरिका की फैक्ट्री चुरा रहा है और दिल्ली की बिल्डिंगे भी है, मैंने सुना है दिल्ली की बिल्डिंगे भी है। अब न्यूज़पेपर वाले की तो कोई गलती नहीं है, कोई भी अगर काम होता है तो PR एजेंसी काम करती है, और न्यूज़ के पोर्टल पर जाकर देखो उनमें खुद पॉइंट में लिखा हुआ है कि इमेजेस भी आप देंगे सिर्फ हम ऐड छापेंगे, लेकिन सारा ठीक है इन्होंने पेपर पे फोड़ दिया। तो ये सोच रहे थे कि हम ये वाला बैनर छाप देंगे, जनता पागल है, दो साल का बच्चा भी बावला बना देंगे हम, तो ऐसा नहीं होता। फैक्ट चेक में जाके पता चल गया कि अमेरिका की फैक्ट्री है, बंगाल का ब्रिज है, दिल्ली की बिल्डिंग है, क्योंकि अब इन्होंने कोई विकास करा तो दिखाए ना, अब इनको विकास पोस्टर पर दिखाना था, तो इन्होंने कहा भाई अमेरिका की बिल्डिंग उठा लो, बंगाल तो अपना ही है, बंगाल के फ्लाईओवर उठा लो, अब वहां पर भी इनकी भद पिट रही है, आप देखो कितना ये जलील हो रहे हैं। इन्होंने क्या करा, तमाम इन्होंने चवन्नी गैंग ने, इन्होंने रद्दी गैंग ने जो है ये कहते नहीं भाई ये तो पेपर की गलती थी, तो ये तो हर जगह उल्टी सीधी हरकतें करके धपड़दूस हो रहे हैं, और ये एक इलाके का नहीं बंदा है, ये कोई चवन्नी चोर नेता तो नहीं है भाई, योगी जी बहुत बड़ा अस्तित्व रखते हैं, भारत की सबसे बड़ी घनित आबादी के ये चीफ मिनिस्टर हैं,
ये उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने जैसे कहा कोई सब्जी वाला कुछ भी बोल दे उसको फौरन पुलिस उठाकर ले जाती है, दिफाई लगा देती है, UAPANSA लगा के जेल में डाल देती है। अब किसी स्टेट का प्रधानमंत्री समझने वाला जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि अब्बा जान वाले राशन खा जाते थे, हम नहीं खाने देंगे, हजम कर जाते थे, अब हम निकाल लेंगे, हम मार देंगे। तो इनको कोई बताए, जो अब्बा जान वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में शुरू से रहते हैं और अब्बा जान को मानने वाले लोग मात्र उत्तर प्रदेश में 20% है। ये बोल करके योगी आदित्यनाथ क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं? निशाना मुस्लिमों को मुद्दा बना, मुस्लिमों को मुद्दा बना के इनको पता है कि इलेक्शन जो आपके हम जीतेंगे वही एज यूजुअल वही जीतेंगे, गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार पर। आप नितिन गडकरी का बयान देखो, नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया था कि भाई जो बीजेपी ने इतने बड़े बड़े दावे करे थे क्यों करे थे, तो नितिन गडकरी ने क्या करा, हमें थोड़ी पता था हम सत्ता में आएंगे, हमने तो फेंक दिया था, हमने फेंक दिया था, हमें क्या पता हम सत्ता में आ जाएंगे, हमने तो झूठ बोला था, इसलिए थोड़ी बोला था बीजेपी ने झूठ के वो कुछ विकास करेगी। उसने इसलिए बोला था कि उनको पूरी उम्मीद थी कि वो सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन वो सत्ता में आ गए थे। तो इन्होंने तमाम का तमाम जो डेवलपमेंट है वो झूठ पर दिखाया, तमाम झूठ बोला और लगातार इस वाली बात में होड़ लगी हुई है कि योगी जी ज्यादा झूठे हैं या कि हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा झूठे हैं। दोनों ही नंबर वन नंबर टू पे बने रहते हैं, कभी योगी जी ऊपर हो जाते हैं, कभी मोदी जी ऊपर हो जाते हैं। तो दोनों इसी वाली बात पे लड़ते रहते हैं कि कौन सबसे बड़ा फेकू, कौन सबसे बड़ा झूठा है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इस पोस्टर से क्या 2022 के चुनाव का रास्ता साफ करना चाह रहे थे? बिल्कुल चाह रहे थे, ये दिखा रहे थे ना कि देखो उत्तर प्रदेश में हमने इतना डेवलप कर दिया। तो भाई उत्तर प्रदेश में डेवलप कर दिया तो आप अमेरिका कैसे पहुंच गए बिल्डिंग चुराने, वहाँ की फैक्ट्री चुराने, आप बंगाल क्यों पहुंच गए? जो ममता आपके हलक में फांसी की तरह लटकी हुई है जिसको आप पसंद नहीं करते, आप उनका फ्लाईओवर उठा लाए? अरे प्यार से मांग लेते, ममता तो वैसे ही पता नहीं क्या क्या दे देती, लो सारा डेवलपमेंट दिखा दो। तो ये तो आपकी हरकतें तो ऐसी हैं जैसे उत्तर प्रदेश ना हो गया पूरा भारत हो गया, पूरा डेवलपमेंट आपका है। तो इस तरह अगर आप बेमानी करेंगे, आप इस तरह चोरी चकारी करेंगे, आप पड़ोसी स्टेट में जाके सेंध मारेंगे, तो लोगों को पता है आजकल डिजिटल जमाना है, 2 साल का बच्चा भी बता देगा कि पिक्चर कहाँ की है। तो योगी जी सोच रहे थे कि हमने सबको उलझा दिया, किसी को 2 वक्त की रोटी मिलती ही नहीं है, तो लोग फैक्ट चेक नहीं करेंगे जाकर, इसलिए कुछ भी दिखा दो कि मेरा डेवलपमेंट है। तो इससे ही वाली बात पता चलती कि योगी जी तुमने कुछ नहीं करा। अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पहले उत्तर प्रदेश जो था वो गड्ढों से पहचाना जाता था। योगी जी चलो मेरे साथ नोएडा, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, आज भी उत्तर प्रदेश गड्ढों से ही पहचाना जाता है, आज भी इतने बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर। तो आपने करा क्या? एक सड़क तो आपने बनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं करा। लेकिन वो तो कह रहे हैं सब उत्तर प्रदेश में अच्छा चल रहा है, तो उनके कहने से क्या होता? महिलाओं के सम्मान पे कोई बात होती तो गाय की बात करते हैं कि पहले गाय चोरी हो जाती थी, भैंसे चोरी हो जाती थी। तो योगी जी उत्तर प्रदेश का ही मामला है, हाथरस कांड आपके उत्तर प्रदेश का था कि किस तरह आपने दलित लड़की के साथ ठाकुर बिरादरी ने आपके खानदान ने क्या करा था। तो उत्तर प्रदेश तो इस वक्त ठोक तंत्र बना हुआ है, जराइम का अड्डा बना हुआ है, रेप में नंबर वन है, बेरोजगारी में नंबर वन है, कोरोना फेलियर में नंबर वन है, झूठ में नंबर वन है और आप तो नफरत में भी नंबर वन है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक अपना अस्तित्व तैयार करना चाह रहे हैं, आपसे समझना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले जिस तरह से किसान आंदोलन अभी पड़ा हुआ है और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें जैसे आपने कोरोना फेलियर का जिक्र किया, क्या इस चीजों को भूलकर जनता वोट करेगी या आने वाले समय में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? भाई सरकार तो बनती हुई शायद हो सकता है मिलीजुली बने, मतलब मिली, लेकिन यह है कि बीजेपी की तो कम से कम लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। आप खुद देखो कोरोना में फेलियर रहे, लोगों को अंत्येष्टि करने के लिए लकड़ियां तक नहीं दी, मरे तो मरे, न अस्पताल दिया, ना रेमडेसिविर दी, ना ऑक्सीजन दिया, ना बेड दिया, उसके बाद तुमने उनको मुखाग्नि देने के लिए लकड़ियां तक नहीं दी, सरकार का फर्जा जो नहीं दिया। उसके बाद जिन्होंने कहा कि हमारा बंदा मर गया उसका मकान को कड़की करवाने की धमकी दी कि मकान बेच देंगे, नीलाम कर देंगे। अब आप सिर्फ ये जो हिंदू पे हिंदू मुसलमान पे फोकस करके जो राजनीति कर रहे हैं इस तरह नहीं होगा। लोगों को वाकई विकास चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए। आप राम मंदिर देखो, राम मंदिर का क्या हुआ? वहां पर 2-2 रुपए की जमीन आपने 2-2 लाख रुपए की बेची, वहां पर कितना आपने घबड़ घोट करा। तो आप आएंगे राम मंदिर बनने से वहां रोजगार लोगों को मिलेगा, तो राम मंदिर बनेगा जब तो रोजगार मिलेगा। राम मंदिर को छोड़ के बाद दूसरी मस्जिदों को ढाने लग गए कि मथुरा काशी बाकी है, कभी आप बाराबंकी की मस्जिद शहीद कर रहे हैं, कभी आप मुजफ्फरनगर की शहीद कर रहे हैं, कभी आप इधर से मुसलमानों को पकड़ रहे हैं, कभी आप उधर से दलितों को मार रहे हैं, कभी आप इधर से किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो ये किसान जो है ना, यही आपकी चिता को मुख अग्नि देगा योगी जी, ये याद रखिए, यही किसान देगा जो बैठा हुआ है। और उसने हुंकार दे दी थी, अगर आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में किस तरह 30 लाख किसान जमा हुए थे और किस तरह योगी की पीठ में उन्होंने डंडे मार के दिखाया था कि योगी तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, बस किसान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तुम्हें तिगनी का नाश मचा देंगे। क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो हर दूसरा तीसरा आदमी किसान ही तो है, तो उत्तर प्रदेश में भी सारे किसान ही है। तो ये इस बार
बार सारा मजा चखाएंगे बीजेपी को और खासकर योगी जी को कि तुम्हें चुनकर, इस सरकार को चुनकर किस तरह लोगों ने गलती करी, किस तरह तुमने ऐसी तैसी मारी उत्तर प्रदेश की। तो योगी जी को मटका रास्ता यही किसान दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब्बा जान वाले बयान पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर लिखा, उन्होंने लिखा कि जो लोग अपने पिताजी के मरने पे नहीं जाते हैं तो वो अब्बा जान का अहमियत क्या जाने। हाँ, तो इनके बाप ने इनको निकाल रखा था, कोई यारी बात थोड़ी बताएगा। इतनी नालायक औलाद थी ये, इसके बाप ने भी इसको निकाल रखा था। आप खुद देखो, अगर मेरा बाप मर जाए, कितनी दुश्मनी हो, अपने बाप के मरने पे हर एक कोई जाता है, लेकिन इनका बाप इससे इतनी नफरत करता था कि इसको नहीं बुलाया, मुखाग्नि देने तक तुम गए नहीं। तो जब तुम्हें तो खुद ही शादी तुमने कही, तुम्हारे औलाद हो, लंडूरे तुम हो, तो तुम्हें क्या पता कि बाप का रिश्ता बेटे से क्या होता है। इसे तुम अब्बा जान करके बदनाम करते हो। ना तो तुमने अपने बाप की गरिमा रखी, ना तुमने अपने बाप के नाम की गरिमा रखी, तो तुम तो बाप के नाम की गरिमा रख ही नहीं सकते। इसे तुम अब्बा जान कहकर टैग कर रहे हो। और अब्बा जान को चाहे तुम इंग्लिश में लिखो, फादर होता है, हिंदी में लिखो, पिताजी होता है, अब्बा जान कहकर तुम अगर सोचो तो मुसलमान उर्दू अल्फाज। हाँ, तुम मुसलमानों की बेइज्जती कर रहे हो। तो योगी जी फेंटा कोला ही तुम्हारी बेइज्जती है। लोग तुम्हें फेंटा कोला किसको कह रहे हैं? योगी फेंटा कोला ही है, फेंटा कोला नहीं लगता? कैसे? अरे वो फर्जी ढोंगी है, फर्जी योगी बना फिरता है। तो इसके मठ जाने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश की जो आवाम है उसने मठ जाने का रास्ता क्लियर कर दिया। तो योगी जी गुफाएं को सही करवा लो, क्योंकि सन 2022 में तुम जाके गुफाओं में ही आराम करोगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये हमारे साथ एमन रिजवी थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब्बा जान वाले बयान देकर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं और 2022 के चुनाव से पहले वो अपना जमीन तलाश रहे हैं। दिल्ली से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।